हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं तो सभी जगह, क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। और इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की सांस रुक जाएगी, ऐसा हमें संदेह अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि एक या दो लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है, इसलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। ओ श्री राम जय राम जय जय राम जय राम क्षेत्र में जगह नहीं बची, तीनों पंडालों में ऊपर लोग चढ़े हैं, वहाँ रोडों पूरी जाम हो गई है, पहुंचे हैं, और उस समय तक इसमें पंडाल में कहीं भी पांव रखने का जगह नहीं था। गर्मी देख लीजिए, पसीना कैसे चल रहा है, और ऐसे में भक्तों का भीड़ देख लीजिए, ये कई आस्था का जनसैलाब है जो पूरा बिहार यहाँ उमड़ पड़ा है। देख लीजिए जय घोष होने पर देखिए कैसे हाथ उठा करके जय घोष कर रहे हैं लोग। अगर बाबा जैसे ही यहाँ आते हैं, बाबा के धुन में हर कोई रमा हुआ दिखता है, और यही आस्था यही प्रेम है कि पूरा यह 3 लाख स्क्वायर फीट का जो पंडाल है वो भर जाने के बाद भी भक्तों का पंडाल के बाहर इतना ही भीड़ है जितना कि यहाँ है। इस आसपास में जितने भी स्कूल या फिर पेड़ आम के बगीचे हैं, उन सब बगीचों में आम के पेड़ के नीचे लोग शरण ले रखे हैं। जैसे बाबा यहाँ पहुँचेंगे सब लोग पंडाल और पंडाल के आसपास दिखाई देंगे। अलग अलग जगह से लोग, हमने बात किया, कोई आसाम से, कोई गुवाहाटी से, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ से लेकर के अगर पैन हो कैमरा तो इस तरफ में दूसरा पंडाल इधर में है, इस वाले पंडाल तक भी भक्तों की भीड़ है। सामने देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक लोग जिनको जहाँ जगह मिला है वहाँ जगह लेकर के बैठा है। हर कोई एक बार बाबा का दर्शन चाहता है, हर कोई कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर के आया है कि हमारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होगी। इसी दृष्टिकोण से व्यवस्थाओं पर भारी पड़ गया है बागेश्वर धाम वाले बाबा के पटना में कार्यक्रम में भीड़, जितना अनुमान था उससे लगभग 2.5-3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं, और जो भी व्यवस्था है उस पर भारी पड़ गया है यह भीड़, ये हम कह सकते हैं। आपको बता दें कि मीडिया कॉरिडोर यहाँ बनाया गया था, इसमें भक्त पहले से ही जगह ले रखे थे। लास्ट में ये जो डी एरिया है जहाँ हम खड़े हैं, इस डी एरिया में हम लोगों को अलाउ किया गया कि यहाँ कैमरा लगाया जाए। आने वाले समय में कुछ ही देर बाद बाबा यहाँ होंगे और सामने किस मंच से बाबा भक्तों को संबोधित करेंगे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के कथा वचन के लिए पूरे देश से लोग यहाँ उमड़े हैं, उनका एक दर्शन पा लेना चाहते हैं। और इस तपतवाती गर्मी में भी लोग, कोई पंखा झेल रहा है, कोई ताली बजा रहा है, अपने आप को इंगेज करके समय व्यतीत कर रहा है कि जैसे 4 बजे का बाबा यहाँ पहुँचेंगे और उनका एक दर्शन हमें मिल जाएगा। इसे क्या कहेंगे आप, भक्ति कहेंगे या भक्ति में सराबोर लोग कहेंगे, ये आपको तय करना है। लेकिन फिलहाल आपको बताया कि पूरा यह जो पंडाल है वो पूरी तरह से भर गया है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लोग और लोग के अलावा कुछ भी नहीं दिखता।